उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। तो बात आज पटेले नर्सरी की कर रहे हैं। आज हम बायसो माउंटेन पे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नर्सरी जो है, हमारे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे इन पौधों को रुपाई चल रही है। कितने समय से आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? डेढ़ साल से। तो कुछ प्रशासन से आपको आश्वासन भी मिला कि आपको यहाँ पे परमानेंट रखा जाएगा या डेली बेस, या कोई ऐसी बात हुई थी आपके साथ? अभी कुछ नहीं, अभी तो ऐसे बोले खाली डेली बेस पे। अच्छा, तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी जो स्थानीय मातृशक्ति है बहने, वो यहाँ पे काम करते हुए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे हैं। पटेल नर्सरी जो ग्रीन प्रोजेक्ट के नाम से मशहूर है, और काफ़ी लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं आप अखरोट का पेड़ है, अखरोट कल में आपको दिख जाएगा। तो कृषि विभाग से हमारे साथ जो यहाँ पे पटवाल जी हैं, जो प्रभारी हैं इस क्षेत्र के, और इसको लगातार इस क्षेत्र को देख रहे हैं। तो सर, आज का जो यहाँ पे विजिट था, एक मीटिंग था यहाँ पे, जो गांव-गांव से लोग आए हैं जी, तो आगे उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट? ये यहाँ पर इसलिए हमने उनको बुलाया था कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है कि उद्यान विभाग द्वारा यहाँ पे लगाया गया इस क्षेत्र के अंतर, विकासखंड नैनडाणा के अंतर्गत। तो हमने कहा जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, या एक जहाँ पे कि ये सेफ क्लाइमेट है हमारी और हो सकती है वहाँ पे, तो हम सारे कृषकों को एक भ्रमण कार्यक्रम कराया, जिसमें कि बताया गया कि राज्य सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, इसमें अपना कुछ अंशदान करके और आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा ये पूरा ही क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र का जो है सेब पे आधारित क्षेत्र है, और ये यहाँ पे पूरे नैनडाणा ब्लॉक के अंतर्गत एक बहुत अच्छी विभाग द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सर, ये जो सेब का यहाँ पे जो पौधा डेवलपमेंट किया गया या उगाया गया, ये हमारे यहाँ सार्थक है या हो सकते हैं ये चीज़? बिल्कुल 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 सार्थक है, और इसी हिमाचल और जो हमारे उत्तरकाशी बेल्ट पे भी जो है इसका कार्यक्रम पहले से किया जा चुका है, वहाँ भी सफल है, और उसी की क्लाइमेट के अनुसार यहाँ भी चल रहा है। दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, एक सिली सुमरिया की तरफ है और एक यहाँ पे, और ये 100% सक्सेस होगा ऐसा लग रहा है। तो कृषि विभाग से हमारे साथ पटवाल जी मौजूद हैं यहाँ पे हमारे साथ वॉइस ऑफ माउंटेन पे, और लगातार उनका सहयोग क्षेत्र को मिलता आया है। तो देखते रहे आप वॉइस ऑफ माउंटेन। प्रमुख रेखा देवी हैं जो आज उद्यान विभाग के इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, तो आज उनसे पूछते हैं यहाँ पे किस तरह का उनका अनुभव है आज का, और कैसे कैसे वो लोग इस नज़र इस प्लान को देखते हैं कि यहाँ पे रोजगार मिले लोगों को। धन्यवाद, आपका स्वागत है पहले। जी धन्यवाद। तो किस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे कैसे यहाँ पे रोजगार मिले, और किस तरह का यहाँ पे किस नज़र से आप देख रहे हो इस नर्सरी को? हमने यहाँ पे सेब का बीज देखा, कीवी का बीज देखा, सेब लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे, हमें अच्छी सीख मिली है। जो भी उन्होंने हमें बताया, हम उनका पूरा लाभ उठाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संपर्क करेंगे, इस कार्य को करो, निर्भय से करो, करते रहो। अभी आपने कई महिलाएं जो यहाँ पे आपके साथ आई हुई हैं, तो यहाँ पे वो लोग अभी उनका क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पे जो उठ रहे हैं अभी उनकी तरफ? क्वेश्चन ये है कि आजकल गांव में ये सुअर है, बंदर है, ज़्यादातर क्वेश्चन यही है, सुअर है, बांदर है, इसी कारण मतलब हमारी ये नैनडाणा ब्लॉक की जो यहाँ पे बंजर भूमि है, इसी कारण है, सुअर है, बंदर है, इन्हीं के कारण यहाँ पे विलुप्त हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे उच्च अधिकारी आए हुए हैं और पूरी टीम आई हिमाचल प्रदेश से,
तो यहाँ पे आप लोग कोई मांग है आप लोगों की कि वहाँ पे हमें बीज, इस तरह का बीज प्रोवाइड करें जिससे हम लोग आसानी से वहाँ पे ये बंदरों यार सोरों के बीच में हम लोग इसे उगा सके और नुकसान ना पहुँचे, इधर कोई बीज इस तरह से यार अच्छा इनकम भी हो जाए, इस तरह कोई आपने अभी सवाल उठाए इनसे? नहीं अभी तो नहीं उठाए, पर फिर उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या होना चाहिए, कैसे मतलब जमीन की उर्वरता होनी चाहिए, ऐसे हम उनसे पूछताछ करेंगे। अभी आज का ये जो प्रोग्राम है, धन्यवाद जी आपका, आज का जो प्रोग्राम है इसमें उनका ये कहना है रेखा देवी जी का कि अभी हम लोग इस प्रोग्राम में पूरा शामिल लास्ट तक अभी बने रहेंगे 5 बजे तक, तो पूछ लेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो लोग अभी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोगों को। धन्यवाद। तो हमारे साथ मातृ शक्ति है, पहाड़ों की आवाज़ जो आप देख रहे हो इस समय। अच्छा दीदी पहले आप आओ हैं, आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमती शोभा देवी। अच्छा तो आप आज जो प्रोग्राम है उद्यान विभाग तेरे बेटे कल लगना आप अच्छा लग मोबाजी। अच्छा अच्छा आप जो पूरी टीम है हिमाचल प्रदेश की टीम है उच्च अधिकारी यहाँ छी, आप क्या क्या मांग छी? मांग हम इन चाहम की हम तो पर घर में अपने खेत में कुछ सीखना मिलल, चाहे हम तो फल फ्रूट मिलल समझ, चाहे हम तो खेती कृषि और चीज भी मतलब बीज बोना जानकारी मिलल, यू भाई से जो मतलब समझदार चीज हम तभी समझा सकल। अच्छा 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 आप दीदी आ जा सुलोचना देवी। अच्छा अच्छा आप गाँव क्या संगले संगले बेटे। अच्छा आप तो आज जो प्रोग्राम के जो ध्यान विवाह तेरे बेच देख आप क्या क्या सीखने मिला आज? बहुत सीखना खान मिल। अच्छा 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 सेवा सेवा बगीचा बारे में एक और चीज उद्योग बताता है ना बारे में। अच्छा 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 आज जो प्रोग्राम छे आप की कैसी गया? हम बहुत मतलब तो कैसी ग्राइप सिखाओ टाइप से आगने अब बढ़ना कब छे? अच्छा अच्छा आगने बढ़ना कब जब सिखा लेते भी तो बढ़ जाम लगने का ना। अच्छा अच्छा जिस प्रकार से वो अभी बताए कि सोयल टेस्टिंग क्या ढंग से होना है ना क्या क्या हमारे पास इसकी मांग नहीं है ना, तो इन आप भी जन जिस हिसाब से बगीचा बढ़ी तो आप भी शायद मांग कर लगने की हो सके तो हम भी कोशिश कर ला की जन हम एक देखो तो हम तो बड़े लग में। अच्छा चलो ठीक है। तो स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड में और आप देख रहे हो वाइजो माउंटेन, और वाइजो माउंटेन पहुंचा है नैना ब्लॉक के धुमाकोट क्षेत्र में जहां पे एक नर्सरी है पटियाला नर्सरी के नाम से, पटेलिया नर्सरी के नाम से जाना जाता है, काफी अच्छी जगह यहां पे जो इन्होंने जिस तरह से यहां पे बना रहे हैं एक नर्सरी। मेरे साथ हैं प्रभाकर सिंह जी, उनसे बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से उन्होंने इस योजना का जो आजकल पहाड़ों में उत्तराखंड में योजनाएं चल रही हैं कृषि विभाग की तरफ से और क्या क्या यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से पेड़ भी लगाए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका वाइजो माउंटेन पे। पहले तो मैं बताना आपको चाहूँगा कि कृषि विभाग अलग विभाग है, उद्यान विभाग अलग विभाग है। अच्छा। तो कृपया ये उद्यान विभाग का फार्म है और ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं आप उद्यान विभाग के तरफ से हो रहा है और जिलाधिकारी महोदय के ये ड्रीम प्रोजेक्ट में से है राजकीय उद्यान पटेलिया, यहाँ पर बाहर के पौधे मंगाए गए जिला योजना के अंतर्गत 4 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ ये फार्म है। अच्छा। और 9 वैरायटी इस पर की 9 वैरायटियों को बाहर से मंगाया गया है, जो ये प्लांटेशन आज आपके सामने मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, ये प्लांटेशन हुआ 2100 पौधों का प्लांटेशन हुआ है। अच्छा। और रूट और 9554 पौधे रूट स्टॉक नीचे वाले पोर्शन जब आप आएंगे देखेंगे तो वहाँ पर तैयार हैं, अभी फरवरी मार्च में वहाँ ग्राफ्ट बांध दिए जाएंगे। उद्यान विभाग की तरफ से कितने पौधे यहाँ पे भी लगे हुए हैं? 2100 पौधे मदर प्लांट के रूप में इस पर वैरायटी के पौधे लग चुके हैं जो आप देख रहे हैं, और रूट स्टॉक जिस पर ग्राफ्ट बांधे जाएंगे 9554 पौधे नीचे वाले प्लांट में आप देखेंगे नीचे हैं उस पर अभी फरवरी मार्च के महीने में ग्राफ्ट बांधे जाएंगे। अच्छा। तो 2022 में जो प्लांटेशन होगा उसमें किसानों को पौधे के लिए बाहर कहीं कि अभी आपको उत्तराखंड में कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट फार्म नहीं जहां पर रूट स्टॉक बेस पे किसानों को पौधा मिल सके, लेकिन 2022 से यहां पौधा किसानों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा अच्छा अभी यहां पे जो ये पौधे जिस हिसाब से आपने तैयार कर रखे हैं अभी इन पे फल आने कितना टाइम अभी लगेगा इनको? ये अब इस बार अभी अगस्त में प्लांटेशन हुआ है लेकिन इस बार इसमें सैंपल आ जाएगा अप्रैल में आप जब कभी आपका आना होगा देखेंगे जी, तो प्रत्येक पौधे पर आपको लगभग सैंपल ज्यादा आएंगे लेकिन सबको तोड़ दिया जाएगा, मुश्किल से एक पौधे सैंपल एक दाने रखे जाएंगे देखने के लिए किसानों को देखने के लिए, और 2022 से प्रत्येक पेड़ में कम से कम 4 से 5 किलो फल आएगा। अच्छा अभी सर यहाँ पे जहाँ तक बात है इस पटियाला जो ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना रखा है पटेलिया का, तो यहाँ पे अभी कितने लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला है इस समय?
वर्तमान समय तो पर डे कम से कम यहाँ से 30 लोग 15-30 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय यहाँ कम से कम पर डे 100-150 लोग काम करेंगे, क्योंकि डीएम साहब की मंशा है कि पर्यटकों को यहाँ आकर्षित करने के लिए उनके लिए 4 हट बन रहे हैं और वहाँ ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है, गार्डन रूम बन रहा है जो आप देख रहे हैं कि कार्य जारी है और ये 5-6 महीने बनकर तैयार हो जाएगा। तो जब यहाँ पर्यटक आना शुरू करेगा तो रोजगार परक योजना हो जाएगी और यहाँ पर कैंटीन भी है, कैंटीन की भी व्यवस्था हो रही है, तो इसमें कम से कम पर डे 100-150 लोगों को काम रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। जी धन्यवाद सर। तो मेरे साथ थे प्रभाकर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जिस प्रकार से इस पटेलिया क्षेत्र में ये नर्सरी तैयार किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, यहाँ पे जिस प्रकार रोजगार मिल रहा है 15-20 लोगों का इस समय रोजगार मिल रहा है, और साथ ही साथ आज यहाँ पे कैंपेन चल रहा है इनका, आज इतना बड़ा कई लोग यहाँ पे आए, अधिकारी लोग आए, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे किस तरह से वो लोग व्यवस्था बना रहे हैं और कैसे कैसे यहाँ पे हम लोग भी यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे ये तैयारी चल रही है इनकी। धन्यवाद, आप आगे देखते रहिए। अभी मेरे साथ संजीव नेगी और महपाल भाई के साथ पटेलिया क्षेत्र। दोस्तों आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, और वॉइस ऑफ माउंटेन आज पटेलिया नर्सरी में पहुंचा है। पटेलिया गांव के नाम से यहां पे ये नर्सरी डेवलप किया गया है, और ये है हमारे जो डीएम साहब हैं कबरियाल साहब जी का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो हमारे साथ कृषि विभाग के अधिकारी महोदय शर्मा जी साथ में हैं। तो सर ये आज की बैठक कैसी है? धन्यवाद रावत जी, आपका वॉइस ऑफ माउंटेन से आपका स्वागत है। और जो हमारा कंसेप्ट है कृषि प्राविधिकी प्रबंधन अभिकरण, इसको आत्मा सॉफ्टवेयर में आत्मा है, पीटीए में आत्मा, आत्मा के अंतर्गत हम काश्तकारों को, क्षेत्र के काश्तकारों को कृषि, उद्यान, पशुपालन और मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, जितने भी ये कृषि से रिलेटेड आइटम हैं उनका क्षेत्र में जहाँ पे इस क्षेत्र में काम हो रहा है उन क्षेत्रों में भ्रमण करवाना और एक्सपोजर विजिट और प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने क्षेत्र के मैक्सिमम काश्तकारों को हम इस परियोजना के तहत ले जाते हैं। और जो आज की विजिट है यहाँ पे पटेलिया नर्सरी में, इसमें हमारे उद्यान विभाग के जो ये हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर रावत जी आए हैं, वो भी काश्तकारों को उद्यानीकरण के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। और कृषक भाइयों से ये अनुरोध है कि जो समय समय पर कृषक भ्रमण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं, इनसे जो भी सीख मिलती है उसको अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे तो हम कृषि क्षेत्र में और संपन्नता की ओर अग्रसर होंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन इसमें हमें मेहनत के साथ साथ पूरा प्रयास मतलब कर्म भी करना पड़ेगा, तभी जाके हम इस क्षेत्र में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद। तो साथियों आज हम जो ग्रीन प्रोजेक्ट है नर्सरी यहाँ पे पटेलिया का, वहाँ पे पहुँचे हैं और वहीं पे कई अधिकारी लोगों से हम बात कर रहे हैं। तो राव जी सर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ माउंटेन पे। तो सर मैं विस्तार से जानना चाहूँगा कि ये नर्सरी किस मकसद से डेवलप हुई है और आगे इसके क्या परिणाम है? एक्चुअली मैं यहीं से पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी जैसे बाकी लोग चले गए थे तो मेरे पिताजी भी यहां से हिमाचल चले गए थे, तो मेरा जन्म वहीं हुआ, सब एजुकेशन वहीं हुई, मैरिज भी वहीं की। तो 2017 में मैं अपने गांव आया तो मैंने देखा कि गांव में पॉपुलेशन दिन ब दिन कम होती जा रही है, पलायन जिसको हम पलायन का नाम देते हैं। तो मेरे लगभग 2-3 चक्कर लगे और उसके बाद मुझे लगा कि यार कुछ गांव में, क्योंकि हिमाचल में हमने बहुत काम किए हैं, हमने किसानों के साथ बहुत काम किया है वहां पर, और जो हमारा एरिया करसोग का एरिया पड़ता है तो उसमें हमने किसानों की आमदनी को लगभग 20-25 गुना तक बढ़ाया है पिछले 12 साल में। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने गाँव में भी काम करना शुरू किया और हमने 2018 में मार्च में 3-3 साल के पौधे लगाए और उसी साल उसमें सैंपल भी आया और उसके बाद लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट, जिज्ञासा उनकी जागी थोड़ी सी और उन्होंने सेब के पौधे लगाने शुरू किए। क्योंकि मैं गढ़वाल में काम करना चाह रहा था तो मेरा संपर्क बीच में डीएम जो पौड़ी हैं अपने धीराज गर्ब्याल जी, उनसे हुआ, और क्योंकि वो भी पहाड़ों के लिए बहुत काम करना चाहते हैं तो जब मैं पहली बार उनसे मिला तो लगभग हमने 3 घंटा विचार विमर्श किया कि कैसे उत्तराखंड में, खासकर पौड़ी में, किस तरीके से हम सेब की खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। तो हमने एक स्ट्रेटजी प्लान की वहाँ पर बैठ के। तो मेरा मकसद ये था कि जो भी किसान काम करना चाहते हैं उनको एक बार अपने हिमाचल के फार्म में हम ले जाएं। तो हमने लगभग 4 ग्रुप बनाए यहाँ से और 90 किसानों को पौड़ी के
हम हिमाचल ले गए जी। तो हिमाचल में सेब लगे हुए थे जुलाई अगस्त के महीने में, तो उसको देख के वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए और उसमें से लगभग 8-10 किसान तैयार हुए कि हम लोग ये कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप था कि उनको एक्सपोज़र देना हिमाचल में। दूसरा हमारा स्टेप था कि एक बार एक्सपोज़र हमारा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद यहाँ अलग अलग ब्लॉक्स में हम किसानों को ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देने का मतलब ये नहीं था कि भी उनको सेब की खेती बताएंगे कैसे करनी है, मेन जो हमारा मकसद था उनको प्रेरित करना था कि वो थोड़ा सा आगे आए, आगे बढ़े और खेती की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। तो उसी मकसद को लेके फिर जब हमने वो डिफरेंट कैंप्स किए तो हर मीटिंग में हमें एक आधा आदमी कोई ना कोई ऐसा मिल गया तो जिसके साथ जिसको हमने प्रॉमिस किया कि हम आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, आपको पूरा मार्गदर्शन देंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे और आपके बगीचे को सक्सेसफुल करेंगे। सर मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पे नर्सरी डेवलप हुई है क्षेत्र के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या मायने हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो देखो पौधे की होती है कि अगर हमारे यहाँ से कुछ किसान अगर तैयार हो भी जाते हैं तो खेती करने के लिए या सेब का बगीचा लगाने के लिए, लेकिन तैयारी होने के बाद अगर उनको पौधा ना मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारा ये भी था कि जहाँ जहाँ हम अपने ये सरकारी फार्म करेंगे तो वहाँ एक नर्सरी भी डेवलप करेंगे ताकि उसके आसपास के लोगों को अच्छी पौध मिल सके। तो यहाँ जो हमने पौधे लगाए लगभग 10,000 पौधे हमने लगाए हैं यहाँ पर, जो रूट्स जो हम नर्सरी, ये आप जो बगीचा देख रहे हैं ये तो 2100 प्लांट है जो फल देगा और लगभग 10,000 हमने नर्सरी लगाई है। हम लोग इम्पोर्ट भी करते हैं बाहर से, तो यहाँ जितना भी मटेरियल लगाया ये सारा नीदरलैंड से इम्पोर्ट किया हुआ हमने लगाया है यहाँ पर। तो सर एक क्वेश्चन और, नीदरलैंड से यहाँ पे ये डेवलप किया गया इस पौध को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेब के पौध लगे हुए हैं, तो सर यहाँ पे जो किसान सोचते हैं कि हम भी इसको इसकी खेती करें या इसको डेवलप करें गांव में, तो उनके लिए क्या अवसर पैदा हो सकते हैं यहाँ से? नहीं, अवसर तो बहुत है, ये 10,000 तो सिर्फ अभी मदर प्लांट है हमारे, अब 3 साल के बाद यहाँ से हमारे 70,000 पौधे निकल सकते हैं। तो 70,000 पौधे अगर किसी भी इलाके में लगते हैं तो निश्चित तौर से वो क्रांति लाएंगे इलाके के लिए। और ये एक बड़े सौभाग्य की बात है हमारे गढ़वाल के लोगों के लिए, हमारे हिमाचल जम्मू कश्मीर या जो पहाड़ों के लोग हैं, कि पूरे अगर हिंदुस्तान की हम एक जनसंख्या को देखें तो 135-136 करोड़ है, तो उसमें सिर्फ 40-50 लाख लोग ऐसे हैं जो इन पहाड़ों में खेती करके एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़े हमारे हमें अवसर भी है कि जो 50 लाख लोग हैं पहाड़ों के, और सेब से ज़्यादा नगद पैसा किसी भी फसल में नहीं है। सर यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, एक तो मैं सेब देख रहा हूँ और किन किन चीज़ों को या पौधों को यहाँ पे डेवलप किया गया और पौधे? हाँ, अभी हमने तो ये अभी सेब से शुरुआत की है हम लोग, अखरोट पर, अखरोट भी हम, क्योंकि टर्की का सबसे बेस्ट अखरोट है तो वहाँ से जो मदर प्लांट है जर्म प्लाज्मा हम वहाँ से ला रहे हैं। उसके अलावा फिर हमारे जैसे प्लम हो गए, प्लम की कुछ ऐसी वैरायटी हैं, जनरली जो पहले प्लम लगता था वो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम थी, आपने अभी तोड़ा तो वो 4-5 दिन में अगर मंडी नहीं पहुंचेगा तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन प्लम की कुछ ऐसी वैरायटी आ गई जो 1-1 महीने जिनकी शेल्फ लाइफ बन गई है। तो उसी तरीके से नाशपाती है, चेरी है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। क्यूवी फल एक फल है यहाँ सर, यहाँ पे मैंने पौध भी देखा है, तो इस जो ये जो फल है बाहर का मैं क्या से न्यूजीलैंड का है, तो हमारे दर्शक जानने चाहेंगे इससे क्या लाभ है? देखो कीवी का जो फल है इसका जो सबसे बड़ा, उत्तराखंड में अगर आप कहीं भी खेती की बात करते हैं तो हमें बंदर, लंगूर और सुअर ये समस्याएं सुनने को मिलती है। तो कीवी एक ऐसा फल है कि जिसको ना तो बंदर खाता है, ना लंगूर खाता है और ना सुअर खाता है, क्योंकि इसकी ट्रालिस बनती है ऊपर। यहाँ डेवलप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बहुत संभावना है उसकी। और हमारा तो मकसद ये कि यहाँ जो भी चीज़ डेवलप हो यहाँ प्रोसेसिंग भी हो उसकी, ताकि रोजगार के अवसर लोगों को और लोगों को जिनके पास खेत नहीं भी है उनको और भी रोजगार के अवसर मिले। तो ये थे राव जी हमारे साथ। तो दोस्तों हमारे साथ यहाँ पे राजेंद्र पटवाल जी हैं जो इस कार्य को शुरू से देख रहे हैं, जो ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो पटवाल जी आप इसको आज किस तरह से देखते हैं? जंगल के बीच में शुरुआत करी थी हमने, तो हमने सोचा खुद ही सोच रहे थे कि कोई खास सब एक ही बीएचपी के प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन आज जो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर भीड़ भाड़ देख रहे हैं और ऐसा लगता है उसको देख के लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है।
तो सर यहाँ पे जो आगे भी ये पौधे तैयार किए जा रहे हैं, क्या ये क्षेत्र जी जरूर ये प्रशासन और प्रशासन दोनों ने मिलकर जो ये काम यहाँ पे किया है और इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं हमारे विधायक जी माननीय डीएम साहब इसके। इसके लिए जितने भी यहाँ पे काश्तकार आ रखे हैं जिनको पौधे चाहिए होंगे 2022 में टारगेट रखा हुआ है कि यहाँ पे जितने लोगों को यहाँ से पौधे चाहिए होंगे तो करवाए जाएंगे। करीब करीब 2022 के लिए ये नर्सरी पब्लिक के लिए खुल जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ये कहना है यहाँ पे राजेंद्र सिंह पटवाल जी का, जो इस कार्य को लगातार निरंतर एक वर्ष से भी ऊपर से देख रहे हैं। जी जरूर, आज की लोगों की यहाँ पे भीड़ देख के लग रहा है कि इसका जरूर लाभ लोग लेना चाहेंगे और यहाँ के जो नैनाड़ा ब्लॉक एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, एक इतनी बड़ी नर्सरी खुली है उसको देख कर लगता है, जिस वीडियो को देख के लगता है कि जो लोग यहाँ आकर इसका लाभ उठाएंगे और प्रत्येक दिन, आज ही नहीं प्रत्येक दिन कोई ना कोई यहाँ पे आता है और यहाँ से जानकारियाँ लेता है, जानकारी लेता है, जितनी भी हमसे मदद हो सकेगी हम करेंगे। अगर कोई अपना लैंड डेवलपमेंट करवाना चाह रहा है या पौधे लगवाना चाह रहा है तो हम, मुझे अगर स्पेशली मुझे कहा जाए तो मैं निःशुल्क रूप से उनके पास जाकर नैनाण खासकर नैनाणा ब्लॉक के निःशुल्क रूप से वहाँ जाकर मैं कोई चिंता नहीं लूँगा कि यहाँ पे लैंड डेवलपमेंट कैसा होना है, वहाँ से होना है, जो भी बात करें इसके अंदर होगा मैं निःशुल्क रूप से उनके लिए। तो यहाँ पे पटवाल जी ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर कोई भी हमसे मदद लेना चाहता है या सलाह मशवरा लेना चाहता है तो सर आप अपना नंबर भी हमारे पास। मेरा नाम राजेंद्र पटवाल, एक साल से यहाँ पे काम पे लगातार काम पहले मैं उनके ही द्वारा मुझे नोटिफिक किया गया और आज मैं कह सकता हूँ कि नर्सरी डेवलप हुई है, इसके लिए प्रशासन नर्सरी पार्क ने बड़ी मदद करी है और हमारी बड़ी मदद करी है, हर चीज़ के लिए उन्होंने हमें यहाँ पे नोटिफिक किया। इसके लिए मैं अगर आगे नैनाणा ब्लॉक में इस नर्सरी को लगाना चाह रहा है तो मैं निःशुल्क रूप से उनको आपको बता सकता हूँ, नर्सरी पार्क के बारे में बता सकता हूँ और मेरे नंबर आप नोट करना चाह रहे हैं 9419409 4011। निःशुल्क रूप से नैनाणा ब्लॉक के लिए मैं अपनी इच्छा से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे राजेंद्र पटवाल जी से आप मिल सकते हैं जिन्होंने अपना नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे जनरेट कर दिया है, बता दिया है, इस नंबर पे आप इनको कॉल कर सकते हैं और उनसे सलाह मशवरा आगे के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम किसान भाइयों से भी मिलते हैं और यहाँ पे प्लांटिंग हाउस से पहुँचे हैं। देखिए सर, आज का प्रशिक्षण को किस रूप में देखते हैं? किस तरह से हम लोग अपना क्षेत्र का भविष्य है, किस तरह से हम लोग विकास कर सकते विकास कर सकते। तो यहाँ पे एक किसान भाई और हैं, विजयपाल भाई से मैं बात करूँगा क्योंकि उनके नाम के बहुत चर्चे हैं नैनाणा ब्लॉक में, क्योंकि काम भी ऐसे ही कर रखा है उन्होंने। तो विजयपाल सर, यहाँ पे आप किस ढंग से कार्य कर रहे हैं? मैंने साहब के लिए जो काम चल रहा है हमारे जैसे हम अपने साथ के किसान भाई बहन जो गांव में रह रहे हैं उनको ज्ञात नहीं होता कि क्षेत्र में क्या चल रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आज आप पटेल ने से? हम तो ये बोलते हैं कि पहले देखो जो कोई भी कर रहा है, जहाँ भी कर रहा है, जहाँ अधिकारियों से मिलो, किसी से भी जानकारी लेकिन मेहनत इस समय आपकी जो बागवानी चल रही है उसमें आप क्या क्या टाइम तो हमारा
जैसमिन लगा रहे हैं, स्ट्रॉबेरी है, कीवी लगा रखी है, आम हो गए, बल्कि हम पेड़ भी लगा रखे हैं। आगे अब हमारे चलने वाले जैसे शिमला में हमारे किसान भाई जरा ये पूछना चाहेंगे आपसे, जरूर क्वेश्चन उनके मन में इस समय चल रहा होगा कि जो आप इस खेती को कर रहे हैं पॉली हाउस के माध्यम से कर रहे हैं या ओपनली? दोनों तरीके से कर रहे हैं, पॉली हाउस। तो ये ग्राम ब्रास से आते हैं और बढ़िया काम इन्होंने कर रखा है, धरातल पे बिल्कुल जमीन पे इनका काम आपको नजर आएगा। तो कभी हम इनके वहाँ पे भी चलेंगे जहाँ पे इन्होंने काम कर रखे हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड, आप देखना छो पहाड़ों की आवाज, गांव की आवाज, घर घर की आवाज, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक आवाज था आपको सहयोग जरूरी छे। आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लिख, अपन ध्यान रखिया। और उत्तराखंड को अन्य खबरों का देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद। आने वाला दिन ते से की समाली लावा, ए जावा, ए जावा।